मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और वह कैसी है डैंक इंडियन मीम्स फॉर बाय मीम्स फॉर टीन। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये क्या पहने हुए? ये तो महाकाल का है ये। अच्छा ओके। और वो घड़ी है? हाँ ये तो ब्रेसलेट है। अच्छा ब्रेसलेट। अच्छा सलमान टाइप है? नहीं सलमान टाइप नहीं, सलमान मेरे टाइप पहनते हैं। हो बिहार के लाला। किसी बड़ा पाव गर्ल को किसी का नाम भी पता है? सारे कस्टमर बोले थे चंद्रिका गेरा दीक्षित, वो प्राउड है। एक सेकेंड मैम, हमारे नाम बता दीजिए। सबको पता है क्या नाम है मेरा? एक लोग मिला सारी उम्र में जब। और देखिए मुझे आज एक वैलेंटाइन मिला। बताइए तो मुझे ये वैलेंटाइन किसने दिया है? मेरी कजिन डोरा ने। भाई यार कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। पैसे नहीं है भाई, अब बहुत भूखा हूँ यार, कुछ खाने के लिए दे दो। कल की रोटी खा लोगे? हाँ भाई खा लूंगा ना, कल आना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। आज रखूंगा गला के खाले। देख अंकिता मैं तुझे ना आज एक लाइफ फैक्ट बताता हूँ। लड़कियां रेड फ्लैग वालों को पसंद नहीं करती, इसलिए तो हरे झंडे वाले चार चार दीदियां लेके घूमते। कोमल ने अपने बालकों को क्या सिखा रखा? देखो इलेक्ट्रिक चीजें खाओ, तार मिट्टी चद्दर पन्नी धागे। वाह बेटा वाह। कौन से स्कूल में जाते हो आप? स्कूल में कौन से में? एलविश इंटरनेशनल स्कूल। अच्छे तो अनपढ़ है। खुद को रोज कर ठीक है, चलो अच्छी बात है। रशियन मंगवा दिया तुम्हारे लिए, बोलो। हाँ ये भी कह रहे एल्विस छपरी हैं, तो क्या 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 कहना? मैं कह रहा हूँ इसमें तो चश्मे लगा के चलता हूँ मैं, आंसू नहीं दिखे इसके नीचे मेरे। हटा दिया आप, रो दोगे मेरी बातें सुन के यार, चश्मे लगा के। इसलिए चाहते हैं कि हम रोए, कुछ बोलिए आप। फिर बोल के तो रुलाऊंगा नहीं मैं आपको। जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है तो हफ्ते में दो बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है। इनका हाथी का स्पा चल रहा है। हाथी का स्पा चल रहा है अभी। अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है। आंसर एज गुरु। ओके, इतनी लड़कियां आपके पीछे पड़ी, आप कैसे हैंडल करते हो? मैं सो जाता हूँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है, ओरा के सिरा। दिल लगाया था दिल्ली चली गई, इश्क भी किया था पिंडी चले गई, सोचा खुदकुशी कर लू, स्विच में हाथ दिया तो बिजली चली गई। बिजली चली गई तो पंखे से लटक गया। आपका बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? मैंने बड़ी अच्छी बात बोली आज, खुद ही इंप्रेस हो गई। आपका अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? वो कितना तंग करे आपको, होता है? हो नहीं बताओ, मैं आई एम आस्किंग यू। मेरे बच्चे नहीं है। आपके माँ बाप के तो बच्चे हैं ना? सारी उम्र में एक्चुअली मेरा नाम मीत है और ये मेरी सुंदर सी वाइफ प्रीत। हमने सुना है मैडम जी आप लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह दिलवाती है। हाँ हाँ, तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं? A few minutes later. वैसे काम क्या करते हैं आप? अजी करने क्या क्या मैडम, कोई करने दे तो बहुत कुछ कर दे आप जी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है, ओरा के सिरा। Tell me the three alphabet love word. ये मुझे नहीं समझा। ये मेरा चाइल्ड फ्रेंड है। तो भाई विनोद जी का एक बचपन का दोस्त है यहाँ पे, ये उनकी बेटी है। तो ये
मेरी एक स्टेप सिस्टर है और ये मेरा स्टेप ब्रदर है। ओके, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। मेरा पहला आईफोन 15 प्रो मैक्स ब्लू कलर। थैंक यू, ये मेरा पहला आईफोन है भाई। इसको कोई मतलब नहीं है, पापा ने फोन ले लिया, अनबॉक्स कर लिया, ये अपने गेम पे लगा हुआ है बस, इसीलिए आया था ये। नाली, आपके पापा के पास आईफोन आ गया तो मेरे पास भी है। जब जीत नाम जीने ते रेंट नहीं, मेरी रखे कर पे बड़ी ते बैंड नहीं। पहले ये बताओ, स्कूल में बाल कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए? नहीं कटवाने चाहिए। और क्यों नहीं कटवाने चाहिए बताओ? क्योंकि आप हैंडसम दिखते हैं उससे। कह रहे हैं बेटा शाबाश, शकल देखिए हैंडसम, दिखाइए दांत, दिखाना दांत, दिखाना हैंडसम अपने। चकने लगे ना पट्टू लाऊं दा बेंद नहीं पहलियां। टॉलरेंट नहीं होगा आपको बिल्कुल। जैसे वो डिमांड करेगा वैसे आप दोगे ना, बट डेटिंग फेज में ऐसा नहीं आता। अगर सपोज तुम हमें डेट कर रहे हैं तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम मुझे बोलोगे अपना फोन दिखाओ, चाटे मार दूंगी। अगर रिलेशनशिप दिखा देती है मुझे तो लड़कियां, मेरी बेल्ट दो टंगी हुई है वहां गेट के पीछे। अच्छा, उससे धन्यवाद करती हूँ आप सभी ऑडियंस का। थैंक यू सो मच, आई लव यू। पता नहीं चला कि नींबू खरबूजा कैसे हो गया। वो ये सारी चीजें पूछना पड़ेगा। मतलब क्या संजय दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। Meanwhile, मेरे कॉलेज के बट आंटी यहाँ से फेमस हो चुकी है, खतरनाक तरीके से फेमस। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। पैसों के पीछे दुनिया भागती है। कभी कभी ना कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलते हो कि ये सिर्फ पैसे के लिए रिएक्शन कर रही है या पैसे के लिए ये चालू है। मुझे एक चीज बताओ, आप काम को क्यों जाते हैं? पैसे के लिए। कितने सारे लोग एक्टर्स मूवी क्यों बनाते हैं? पैसे के लिए। मूवीज बनती क्यों है? पैसे के लिए। सारी चीजें पैसे के लिए हो रही है। तो रिएक्शन वाले रिएक्शन भी मतलब एक पसंद है, इसलिए इस फील्ड में आए हैं एंड उससे एक्स्ट्रा पैसा भी कमा लेते हैं। इनको लगता है सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए चालू। कमेंट में भी ये पैसे के लिए कर रही है करके दी क्या। अरे यार, एटलीस्ट किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ या ऐसे गंदा खेल नहीं खेल रही हूँ पैसे के लिए। जस्ट अ रिएक्शन चैनल एंड रिएक्शन वीडियोज। ओके, अच्छा ठीक है, मैंने बहुत सीरियसली ले लिया क्या इस चीज को? क्योंकि कुछ जम लोग समझ में नहीं आता, अगर उनको हम समझाए भी ना कि यार इसका मतलब ये है वो है, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, नहीं पैसे के लिए होकर कहते क्या ऐसे करेंगे। सीआईडी का सीरियल मुझे लगता है जब हम बच्चे मतलब इतने वाले बच्चे थे जो एकदम नादान वाले नहीं बोलते, शायद सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड टाइप का तब लगता था। एंड उसमें ऐसे जोक्स होते थे जो शायद तब ऐसे सोचा भी नहीं डेंजर तरीके से एकदम, और लगा भी नहीं मन में ऐसा कुछ, बट बहुत खतरनाक था। एंड वड़ापा वाली मतलब क्या पता, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट उसको देखने के बाद है ना एक अलग ही इरिटेशन क्यों होता है पता नहीं, बिकॉज माइंड पे वो इस तरीके से ट्रीट करती है कस्टमर्स को जो शायद नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ओके, रूही राय माँ कसम, वो एक अलग जेंजी मटेरियल, बेंचिंग, डेटिंग फेज, ये फेज, वो फेज, कंफ्यूज करके रख दिया यार इन लोगों ने लिटरली। मतलब हम लोग इस जनरेशन में फिट नहीं होते यार, हम लोग एक एक से ऐसे लोग हैं जो ना चीजों को सीरियसली लेते, रिलेशनशिप मतलब एक प्यार मतलब प्यार को सीरियसली लेने वाले लोग हैं। और ये देखो, तो ये मेरा रिएक्शन। आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना जितना हो सके। बाकी परत भी आ ले जा, बाय।